तो लास्ट एपिसोड में हमने हमारी मेन बॉडी मॉडल को कलरिंग किया, और उसी प्रिंसिपल पे हम इस वीडियो में हमारे केबिन को पहले कलर करेंगे, और फिर हम केबिन की असेंबली भी यही वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे जो कि हमने सर्फेसेस को स्प्लिट करके उनको कलर करने का प्रोसेस लास्ट वीडियो में किया था। तो हमारी केबिन बॉडी हमारे पास तैयार है। सबसे आगे वाले सरफेस पे मैं स्केच करना चालू करूंगा। और ये होगा मेरा पहला स्केच। फिर कर्व्स में जाके स्प्लिट लाइन सिलेक्ट करेंगे और हर वो सरफेस सिलेक्ट करेंगे जहां से ये स्केच पास होता है। अब ये जो सेक्शंस है हमें साइड वाली बॉडी पे भी एक्सटेंड करने होंगे, तो ये तीन पॉइंट्स को हम एक्सटेंड करेंगे। तो इस स्ट्रेट सरफेस पे ऐसा स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तीनों लाइन वो वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। और फिर अब हम स्प्लिट लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम पीछे वाले सरफेस पे भी एक्सटेंड करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, ये जो टेक्स्ट है हमने स्केच टेक्स्ट का इस्तेमाल करके बनाई है। यहाँ पे ABR जो है वो अबू रोड रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है, और यहाँ पे हम अबू रोड डाल रहे हैं क्योंकि ये जो WDG4129 है वो अबू रोड डीजल लोकोमोटिव शेड से बिलोंग करता है। अभी आपको ये WDG4 वापस ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमारे मेन बॉडी में जाओ, वो स्केच कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। फिर आप मूव एंटिटी और स्केल एंटिटीज के जो कमांड है उनका इस्तेमाल करके आप वो पूरा स्केच जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा अबू रोड देवनागिरी में। तो अब हम तैयार है कलरिंग करने के लिए। पहले फेस सिलेक्ट करेंगे और फिर कलर। We'll be right back.
कलर सिलेक्ट करते वक्त ध्यान में रखना कि ये कलर रेंडरिंग करते वक्त थोड़ा अलग दिख सकता है। अभी विंडो को ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देने के लिए पहले उसको सिलेक्ट कीजिए, अपीयरेंस आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो फीचर नेम है उस पर सिलेक्ट कीजिए। अभी आपके जो राइट हैंड साइड में अपीयरेंस पैनल है वो ओपन करके उसके अपीयरेंस टैब में जाए, यहाँ पे जाएंगे हम ग्लास में और यहाँ पे आप जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने सिलेक्ट किया ग्लॉस और अगर ग्लास को भी कलर देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। आप दूसरे सर्फेसेस भी सिलेक्ट कीजिए। और हाँ, ये हमें दोनों साइड लगेगा क्योंकि हमने इसको दोनों तरफ से कट मारे थे, तो वो फीचर को हमें ट्रांसपेरेंट बनाना है जो कि दोनों तरफ से कट्स है, तो वो दोनों कट्स को हमें ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। पूरी तरह से कलरिंग हो जाने पे हमारी केबिन बॉडी कुछ इस तरह दिखेगी। तो अब हम बढ़ेंगे केबिन की असेंबली की तरफ। एक नई असेंबली फाइल ओपन कीजिए। सबसे पहले मेन बॉडी इंसर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि जो पार्ट हम पहले इंसर्ट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट फ्रीज हो जाता है। अब इंसर्ट कीजिए विंडशील्ड। हाँ, ये ध्यान में रखिए असेंबली करने से पहले इसका जो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट है वो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपके परफेक्ट सर्फेसेस सिलेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि मैंने कौन से सर्फेसेस मेट किए हैं विंडशील्ड मेट करने के लिए। दूसरी विंडशील्ड जो कि यही सेम पार्ट है उसके लिए भी मैं वही तरीका इस्तेमाल करूंगा। अब आप विंडशील्ड को ओपन करके उसका ट्रांसपेरेंट इफेक्ट उसको वापस दे सकते हो क्योंकि हमें उस पर अभी असेंबली में काम नहीं करना। ये बनाते वक्त एक पीरियोडिकली आप कंट्रोल एस दबा के सेव करते रहे तो सॉफ्टवेयर क्रैश या पावर फेलियर जैसे सीन्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम मेट करेंगे विंडोज को। ये विंडो एक के पीछे एक रहेगी। अब आप इन विंडोज को इनके अंदर की बाउंड्रीज में स्लाइड कर सकते हैं। इनका जो लिमिटिंग है हम वेब 7 वाले मॉडल के टाइम कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। अब हम मेट करेंगे हमारे डोर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डोर्स को भी हमारे बॉडी की तरह सेम थीम में पेंट कर दिया है, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये श्योर कर रहा हूँ।
पहले और एक सेम डोर इंसर्ट कीजिए और स्टार्ट करेंगे हम इनके बेस को मेट करने के साथ। अब हम मेट करने वाले इनका हिंज वाला पार्ट। तो ये हो गए हमारे डोर्स मेट करके। अब बारी है जो ऊपर का हॉर्न है उसकी। पहले बेस, फिर ये सर्कुलर सिलेंडर और फिर फेस पैरेलल। अब हमारा आखिरी पार्ट हम मेट करने वाले हैं जो कि है विंडशील्ड का ग्रिल। अगले वीडियो में हम हमारी जो बॉडी है उसके साथ वो सब पार्ट्स मेट करेंगे जो हमने 8th एपिसोड में बनाए थे। तो ये बार के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो देखना पसंद आया हो तो आप अगर इसको लाइक कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर आपके कुछ डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।